हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप भी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑडिसी टेक्नोलॉजीज़। जी हाँ दोस्तों, ये वही चैनल है जिसके अंदर आप सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में या कंप्यूटर फोन्स या किसी भी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल क्वेश्चन, किसी भी टेक्निकल गैजेट की नॉलेज। ये वही चैनल जिसमें आप सीखते हैं सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड अदर टेक्निकल थिंग्स। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑडिसी टेक्नोलॉजीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इसके ऊपर। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक मैंने छोटा सा डेटा बना रखा है, इसके अंदर मुझे काउंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए काउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए मेरे इस स्लाइड को पहले, तो गाइज आपने देखा कि इस स्लाइड के अंदर मैंने डिफरेंस बताया कि काउंट का मतलब क्या होता है। काउंट का मतलब है कि हमारे कोई वैल्यूज लिखी हुई है, उसका मुझे टोटल काउंट चाहिए, जो कि नंबर निकालता है उसका टोटल नंबर क्या है उसे काउंट कहते हैं। काउंट इफ क्या होता है कि इसी कॉलम का मुझे नंबर तो निकालना है बट उसमें कंडीशन लगानी है। वो कंडीशन क्या हो सकती है आपको पता होना चाहिए और फॉर्मूले के जरिए मैं आपको बताऊंगा भी। और काउंट इफ्स क्या होता है, जैसे आपने स्लाइड में देखा, काउंट इफ्स का मतलब होता है काउंट निकालना किसी भी कॉलम या रो का बट उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस या क्राइटेरिया होते हैं। तो चलिए कैसे इसको यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे लगाना है काउंट का फॉर्मूला। मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, वो कह रहा है रेंज दे दो आपका, रेंज मैंने दे दिया यहाँ से, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया। तो वो कह रहा है कि आपने देखा इसके अंदर 12 नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इसका टोटल काउंट 12 है, 12 है। ठीक है, अब मैं आता हूँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ काउंट इफ के बारे में। काउंट इफ का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, तो इक्वल टू का साइन लगाया मैंने पहले एंड काउंट इफ को मैंने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। वो कह रहा है रेंज दो पहले आपका जो काउंट इफ का फॉर्मूला। अब आप देखेंगे कि मेरा काउंट इफ का ये फॉर्मूला है, इसके अंदर मुझे रेंज देनी है, तो मैंने यहाँ से उठा के रेंज दे दिया एंड मैंने एंटर नहीं मैंने कॉमा लगा दिया। उसके बाद मैंने डबल कोट्स लगाया। अब वो कह रहा है कि आपकी कंडीशन क्या है वो बताओ। काउंट इफ के अंदर एक कंडीशन होती है काउंट निकालने के साथ साथ। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये जो कॉलम है, मेरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर सीमा कितनी बार लिखा हुआ है, मुझे उसका नंबर चाहिए, कितनी बार सीमा आया हुआ है इस कॉलम के अंदर। तो मैंने लिखा सीमा और मैंने डबल कॉलन लगाया और फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये कह रहा है कि सीमा दो बार लिखा हुआ है इस कॉलम के अंदर। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए सीमा दो बार लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आते हैं हम काउंट इफ्स के अंदर, काउंट इफ्स को कैसे यूज करते हैं। तो गाइज ये बिल्कुल वही बताता है कि दो या दो से ज्यादा कंडीशन इसमें लगा के हम काउंट का नंबर निकालते हैं उसे काउंट इफ कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंट इफ्स होता है वो, ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले मैं लगाऊंगा इक्वल टू का साइन, काउंट इफ्स एंड ये ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब वो कह रहे हैं ठीक है क्राइटेरिया दो पहलो, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा एक्टिव रहना है क्योंकि ये सारा कुछ खुद आपको बताएगा। जैसे आप इक्वल टू को साइन लगाते हैं, फॉर्मूले का नाम लिखते हैं, देखिए आपको नीचे दिखाता भी है हेडिंग्स के अंदर क्राइटेरिया रेंज। वो कह रहा है पहले क्राइटेरिया दो, वो क्राइटेरिया क्या है। तो ठीक है मैं क्राइटेरिया देता हूँ इसको, मेरे पास पहला कॉलम का क्राइटेरिया ये है, मैंने ये रेंज दे दिया और कॉमा लगा दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने क्राइटेरिया तो दे दिया पहली रेंज का, अब आप मुझे ये बता दो कि आपका जो पहला कॉलम जो है आपने रेंज दिया उसके अंदर कंडीशन क्या है, क्या क्राइटेरिया है। तो मैंने कहा इसके अंदर जहां पर भी सीमा लिखा हुआ है, ठीक है मुझे सीमा का चाहिए काउंट, मैंने कॉलम लगाना बंद कर दिया, ठीक है एंड कॉमा लगा दिया। अब वो कह रहा दूसरी कंडीशन क्या है, यानी कि पहली कंडीशन ये कि मुझे इस कॉलम के अंदर सीमा कितनी बार लिखा हुआ वो चाहिए। अब दूसरी कंडीशन मेरी ये होगी कि जो दूसरा कॉलम है मुझे इसके अंदर ढूंढना है कि सीमा गुजरात से आती है उसका ही काउंट चाहिए, जो सीमा सिर्फ गुजरात से आती है। ठीक है, तो आपको वैसे दिख ही रहा हो कि इसके अंदर सीमा दो लिखे हुए हैं यहाँ पे और ये गुजरात से ही आते हैं दोनों। ठीक है, तो दो लिखा हुआ है बट इसको फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे चलिए सीखते हैं। मैंने लिखा सीमा, अब मेरी दूसरी कंडीशन लगाने से पहले मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा दोनों की, मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरी कंडीशन क्या थी कि डबल कॉलन के अंदर कंडीशन लिखेंगे कि गुजरात वाली सीमा हमें चाहिए, गुजरात लिख दिया, डबल कॉलन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपको दिख रहा है कि फॉर्मूले के थ्रू आपको दिखा रहा है दो बार है। अब आप कहें कि अगर मैं यहाँ पर भी सीमा लिख दूँ, तो यहाँ पर भी मैंने सीमा लिख दिया, ठीक है एंटर कर दिया, तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला जो हमने लगाया था जिसमें सिर्फ इस कॉलम के अंदर सीमा को काउंट करना था कि सीमा कितनी बार आ रही है,
ठीक है, तो इसमें 3 बार आ रही है। अगर आप कहोगे काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ लगाया, काउंट इफ्स का, तो ये 2 बार सीमा है। अगर इस सीमा के सामने में गुजरात लिख दूँ तो गाइज यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, लिख के देख लेते हैं, गुजरात एंटर, तो देखिए 3 हो गया। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट का मतलब क्या है, काउंट इफ का मतलब या काउंट इफ्स का मतलब क्या है, इन तीनों को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और किसी टेक्निकल चीज़ के बारे में या फिर माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी अदर अपडेट के बारे में। थैंक यू गाइज़।